हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक छोटा सा ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ। प्लीज़ आप लोग इस ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग को। और अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर बैठ के क्या कर रही हूँ, तो ये देखिए, ये मेरी छोटी बहन है जो अभी मेरे पैरों में आलता लगा रही है। और इसे पैरों में आलता लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ अपने मायके में, तो ये डेली मेरे पैरों में इसी तरह से आलता लगाती है और इसी तरह से नेल कलर भी लगाती है और खूब एंजॉय करती है, खूब खुश होती है मेरे पैरों में आलता लगा के। और आप लोगों को पता है, जब मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ तो सबसे ज़्यादा इसे मिस करती हूँ। जब मैं आलता लगाने बैठती हूँ ना, तो मुझे बहुत याद आती है इसके। तो उस समय थोड़ा सा बुरा भी लगता है, लेकिन फिर चलो लगा लेती हूँ खुद से भी कभी कभी। वैसे मैं डेली नहीं लगाती हूँ, जब पार्टी फंक्शन होता है या फिर कोई पर्व त्यौहार होता है तभी लगाती हूँ। और ये भी बहुत ही लगन से लगा रही है, बहुत प्यार से। तो मुझे इसका आलता लगाने से ज़्यादा इसका प्यार अच्छा लगता है। आप लोगों की भी छोटी बहन होगी तो इसी तरह करती होगी ना। ये तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है मेरे साथ, एकदम दिन भर मेरे पीछे पीछे घूमते रहती है, दीदी दीदी दीदी। और मैं चली जाऊँगी तो पता नहीं कैसे इसका मन लगेगा, क्योंकि रीना भी चली गई है। तो पहले ये दोनों रहती थी ना साथ में, और अब मैं भी चली जाऊंगी तो ये अकेले हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा मिस करेगी मुझे और रीना को। मैं भी बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ रीना को। वो भी रहती है तो मुझे आलता लगाती है और नेल कलर लगाती है मेरे बालों में। ये लोग हेयर स्टाइल बनाती हैं दोनों मिलके, और मुझे दुल्हन बनाते रहती हैं डेली। तो गाइस, ये देखिए शाम हो चुकी है और आज चांदनी बनाई है पास्ता। पास्ता बना के सबको खिला रही है ये शाम का नाश्ता, क्योंकि भूख लग जाती है ना, छोटी सी भूख लगती है शाम में। तो इसीलिए मेरे भाई ने बोला कि पास्ता बना दो आज, तो चांदनी ने कहा कि चलो आज मैं पास्ता बना के दीदी को खिलाती हूँ और तुम लोग को भी खिलाती हूँ। तो अभी बना रही है चांदनी पास्ता। आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए चांदनी के हाथ का बनाया हुआ पास्ता। मम्मी पास्ता खा लो। देखो हम कितना प्यार से बनाए हैं, खा लो। चांदनी पास्ता बनाई है मम्मी के लिए, मम्मी को दे रही है। तो गाइस, शाम हो चुकी है और आज 5 तारीख है, रात में दिया जलाना है 9 बजे सबको, इसलिए आज हम लोग जल्दी जल्दी खाना बना ले रहे हैं कि खाना वाना बना लेंगे, काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग दिया जलाएंगे और इन्जॉय करेंगे। आप लोगों ने कैसे मनाया आज का दिन बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। आप सब लोग भी दिया जलाए होंगे ना, आज सब लोग छोटी दिवाली मना रहे हैं। तो चलिए अभी मैं खाना बना रही हूँ। ये देखिए सोयाबीन का सब्ज़ी बना रहे हैं आज हम लोग, तो सोयाबीन को फ्राई करी हूँ मैं, उसमें मैं चना भी डालूँगी और प्याज और मिर्च काट के रखा है मम्मी ने। तो ये सब डाल के बनेगा सब्ज़ी आज, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनता है। सोयाबीन हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है सोयाबीन, तो हर दूसरे दिन सोयाबीन बनता ही है। और आज मैं इसके साथ बना रही हूँ सेवई। सेवई हमने फ्राई करके रख लिया है, सेवई मैं उस चूल्हे पे बनाऊंगी बगल में, और इसके बाद बनेगा पूरी। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है पूरी सब्जी और सेवई, आप लोग भी आइए खाने। एक तरह से हम लोग दिवाली ही मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली के दिन ही हम लोग मीठा चीज़ बनाते हैं, खीर या सेवई कुछ ना कुछ बनाते ही हैं। तो आज फिर से हम लोग दिवाली मना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग मीठा चीज़ बना रहे हैं और सब लोग खाएँगे इंजॉय करेंगे। तो देखिए अभी सब्जी में फ्राई करूँ, प्याज फ्राई कर लिया है मैंने, अभी इसमें चना डाल रही हूँ मैं, और दूध को मैंने चढ़ा दिया है उधर, दूध भी हमारा उबल रहा है। फिर सेवई बनाऊंगी मैं। ये देखिए सेवई फ्राई करके रखा था मैंने, और सब्जी इधर बन रहा है, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए। आलू मिक्स किया है मैंने सब्जी में और सब्जी को फ्राई करूंगी और थोड़ा देर के लिए। ये देखिए हमारा दूध अभी गर्म नहीं हुआ है, उबलने के लिए रखा ही है मैंने, तो ढक के उबाल रही हूँ ताकि जल्दी उबल जाए।
देखिए हमारा सब्जी बनकर रेडी हो चुका है। आलू, सोयाबीन और चने की सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा कभी बना के। और किस दिन मैं इसका फुल रेसिपी स्पेशली रेसिपी वीडियो ही डालूंगी, तो आप लोग देखिएगा। और अभी मुझे बनाना है पूरी, तो चलिए हम लोग पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। बस ये देखिए, पूरी बनाने के लिए मम्मी ने लोई बनाना स्टार्ट कर दिया है। चांदनी भी मम्मी का हेल्प कर रही है। और मम्मी भी पूरी बेलेगी, मैं छान दूंगी, इससे जल्दी हो जाएगा क्योंकि 9 बजे से दिया भी जलाना है। और हम लोग इसी तरह मिलजुल के काम करते हैं, सब लोग एक एक काम करते हैं साथ में। तो गाइज मैंने फाइनली पूरी तल लिया है, इतने सारे पूरी तला है मैंने। और ये देखिए कितनी फूली फूली पूरी बनी है, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी दिख रही है। और आज का खाना बहुत ही लजीज बना है हमारे यहाँ। और ये देखिए मेरी दादी है, ये जो अभी खाना खा रही है। दादी बेड में ही खाना खाती है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि दादी के पैर में घाव हुआ है, इसलिए ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, इसलिए दादी को हम लोग बेड में ही खाना दे देते हैं। और ये है मेरे दादाजी जो अभी पूजा कर रहे हैं। खाना खाने से पहले दादाजी पूजा करते हैं भगवान जी को, क्योंकि दादाजी सत्संग में है। किसी दिन मैं दादाजी से स्पेशली मिलवाऊंगी आप लोग को, तो देखिएगा बात करके। सत्संग में है दादाजी और वो बहुत ही ज़्यादा सत्संग के नियमों का पालन करते हैं, तो अभी वो पूजा करते हैं। पहले खाना जब भी वो खाते हैं, कुछ भी खाते पीते हैं, तो पहले पूजा करते हैं, भगवान जी को याद करते हैं, नाम लेते हैं, उसके बाद ही खाना स्टार्ट करते हैं। तो बाबा अभी द्वार पे बैठे हुए हैं। द्वार मैंने आप लोग को एक वीडियो में दिखाया था, तो द्वार अभी नया नया ही बना है। पहले दूसरा द्वार था, अभी नया बन के तैयार हुआ है। तो अभी दादाजी यहीं पे रहते हैं, द्वार पे ही रहते हैं, और यहीं पे हमारी गाय रहती है। तो अभी दादाजी खाना खा रहे हैं, ये देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का रूटीन देखे होंगे आप लोग। आज मैंने बनाया है सेवई पूरी और आलू और चने और सोयाबीन की सब्जी, तो काफ़ी टेस्टी सब्जी बनी है और सेवई भी बना है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। और आज 5 तारीख है, तो आज मोदी जी ने कहा है सबको दिया जलाने के लिए। तो देखिए चलिए छत पर देखेंगे अभी कि कौन कौन दिया जला रहा है। और हम लोग अभी थोड़ा बहुत काम है तो काम करेंगे, और मुझे अपना फाइल भी लिखना है और छोटे छोटे काम है कुछ कुछ। आ चांदनी तुम भी, हाय। देखिए चांदनी है, अभी हम लोग जा रहे हैं द्वार पर, बाबा को खाना दिए हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उनसे पूछने कि उनको और चाहिए कि क्या। चलो चांदनी आओ, तो चलिए आप लोग भी बाबा से पूछते हैं कि अभी उनको और चाहिए या फिर वो खा लिए होंगे, तो उनका थाली उठा के ले आएंगे हम लोग। तो रात हो चुकी है काफ़ी, रात के 8:30 बज रहे हैं और आज मुझे लाइव भी आना है। मैंने डेली का टाइम फिक्स किया है कि 10 से 11 मुझे लाइव आना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आइएगा ज़रूर आप लोग, और बहुत सारी बात करेंगे हम लोग लाइव स्ट्रीम में। अब मैं डेली लाइव आऊँगी। तो ये देखिए हम लोग आ चुके हैं द्वार पे, और चांदनी भी आई है। आ चांदनी इधर, लाइट यहाँ पे नहीं है तो दिखूँगी नहीं मैं आप लोग को ठीक से। तो चलिए देखते हैं बाबा को कुछ चाहिए कि क्या। बाबा हाँ। और कुछ चाहिए ना? पूरी ना हो, फोटो का फेल हो। ये देखिए बाबा खाना खा रहे हैं।
इधर चांदनी डॉगी को खाना दे रही है और मेरी गाय है, गाय को रोटी दिया जाता है डेली, तो गाय को भी रोटी दे रही है। तो गाइस बाबा खाना खा लिए हैं और अभी हम लोग लेके जा रहे हैं थाली, चांदनी थाली लिए। और अभी मैं दादी का तेल मालिश करूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी छत पे, क्योंकि अभी 8:30 हो रहा है, आधा घंटे में तेल मालिश हो जाएगा। तो उसके बाद छत पे जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन दिया जलाया है। तो चलिए थोड़ा देर बाद मिलूंगी आप लोग से छत पे। और इससे मिलिए आप लोग, ये है मेरा सेकेंड नंबर वाला ब्रदर, इसका नाम है सोनू। और ये अपने रूम में खाना खा रहा था, सेवई पूरी सब्जी इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारे यहाँ सेवई सबको पसंद है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि हर दूसरे दिन हमारे यहाँ सेवई या खीर बनता है। मीठा चीज़ हमारे यहाँ सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हर दूसरे दिन सेवई खीर बनते ही रहता है, सबको ज़्यादा पसंद है इसलिए। और इसे तो ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो हमने अपने लिए भी खाना निकाल लिया है और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा लेती हूँ क्योंकि 8:30 हो चुके हैं और हम लोग को जाना है छत पे दिया जलाने 9 बजे। तो खाना खा के फिर हम लोग आराम से दिया जलाएंगे और फिर आपसे बात करेंगे। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं दिया जलाने, आप सबको हैप्पी दिवाली, मैनी मैनी हैप्पी दिवाली। चलिए अभी छत पे चलते हैं दिया दिखाने। और ये देखिए यहाँ पे दादी है, ये देखिए यहाँ पे मम्मी है। आगे दिवाली पता दे, मम्मी आके दरवाजे के पास रख के आई है, अभी हम लोग जाना छत पे रखने। चलो मम्मी, चांदनी चलो आओ जल्दी लो, दिया पकड़ो। तो अभी हम लोग आ चुके हैं छत पे और दिखाती हूँ मैं आपको, आप सबको, सबके छत पे यहाँ पे दिया जल रहे हैं, सबके छत पे दिया जल रहे हैं और सबके दरवाजे पर भी। ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो गया है। हैप्पी दिवाली आप सबको। ये देखिए हम दिया बार रहे हैं, दिखा रही हूँ, नहीं पूरे सबके छत पे दिया जल रहे हैं। तो गाइस ये देखिए, ये है हमारे गांव का नज़ारा, सब लोग आज दिया जलाए हैं अपने अपने छत पे। और आई होप कि आप लोग भी जलाए होंगे, क्योंकि आज पूरे इंडिया वाले को दिया जलाना था ना, तो सब लोग छोटी दिवाली मनाए ही होंगे। और सबका वीडियो भी मैंने देखा, बहुत लोगों का सब लोग दिया जलाए हैं और खूब एंजॉय किए हैं एकदम दिवाली की तरह। तो एक तरह से आज एक हैप्पी दिवाली ही है, छोटी सी दिवाली है आज, सब लोग दिया जलाए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई ना दिया जला के, हम लोग को तो बहुत मज़ा आया। और छत पे जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे सच में मानो दिवाली ही है, चारों तरफ दिया जल रहे थे सबके घरों में। भगवान करे कि कोरोना जहाँ से आया है जल्दी से ख़त्म हो जाए, हमारी प्रार्थना भगवान सुन ले। और इतने सारे न्यूज में आ रहे हैं डेली खबर कि इतने सारे लोग संक्रमित हुए, इतने सारे लोग मौत हो गई उनकी, तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। बस भगवान करे सब ठीक हो जाए, कोरोना जहाँ से आया है चला जाए और सब लोग अच्छे से रहे। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके घर में ही रहिए। तो गाइस आज का ये छोटा सा ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग तुरंत आके मेरे वीडियो को देख सके। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, ये एक छोटा सा ब्लॉग मैंने सोचा था बनाने के लिए, बट नाना करते हुए भी ब्लॉग लंबा हो गया है। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं, और आज एक छोटे से दिवाली मनाया सब लोगों ने, तो आप सबको अगेन हैप्पी दिवाली। और ये देखिए ये है मेरा छोटा भाई, तुम भी बोल दो। ये है चंदन, इससे आप लोग पहले भी मिल चुके हैं और चांदनी से भी आप लोग मिल चुके हैं, तो चांदनी भी आ रही है, फिर से मिल लीजिए चांदनी, आ जाओ। तो ये देखिए ये चंदन चांदनी है, और हम लोग बहुत इंजॉय कर लिए हैं छत पे, सब लोग इंजॉय कर लिए हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग से एक ब्लॉग के साथ। और अभी मैं जा रही हूँ लाइव, मैंने आप लोग को बताया कि 10 से 11 मैं डेली लाइव आऊँगी रात में। तो अगर आप लोग फ्री होंगे और आप लोग इंटरेस्टेड होंगे आप मुझसे बात करने के लिए, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर आइएगा लाइव स्ट्रीम में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू, गुड नाइट।